राजस्थान के उदयपुर में टेलर की हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के बलरामपुर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर इस्लामिक आतंकवाद व जिहादी कट्टरपंथी का पुतला फूंका। जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर अम्बेडकर तिराहा पहुंचे और नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। हिंदूवादी संगठनों ने कल ही विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर आज शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देते हुए अंबेडकर तिराहा पर आतंकवाद का पुतला फूंका और उदयपुर की घटना को भारत की संप्रभुता पर बड़ा कुठाराघात बताया। हिंदूवादी संगठनों ने उदयपुर की घटना का विरोध करते हुए कहा कि इस घटना पर सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो देश की संप्रभुता को बचाने के लिए हिंदू संगठन किसी भी स्तर तक जाकर इसका विरोध करेंगे। कुमार की निर्मम हत्या के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम आज कर रहे हैं, इसमें हम लोग सभी उपस्थित हैं और आगे ऐसी कोई कार्रवाई अगर इन लोगों ने किया, इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने, तो हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत हो गया, हमारा हिंदू समाज बहुत देख लिया, बहुत कुछ शांति से पूरा सुनता रहा, लेकिन अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग इनका जवाब पत्थर से देने वाले हैं। अगर वो एक मारेंगे तो उनके भर कुछ ना कुछ गाज गिरेगी। बहाई देते हैं NRC हो या CAA हो, आज वही लोग मिलकर के कन्हैया लाल की राजस्थान में उदयपुर में गहलोत सरकार के रहते हुए वहाँ पे दिखाया कि कैसे निर्मम हत्या इन लोगों ने किया, जिसका नाम मोहम्मद गौस और मोहम्मद साजिद। इस तरह से हम लोग भर्सना करते हैं, अपना क्रोध प्रकट करते हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रदेश और देशव्यापी आंदोलन आज कर रहा है, 29 को भी था, आज भी है, और जिला बलरामपुर संपूर्ण रूप से एकत्रित है और सरकार से मांग करता है कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि वहाँ के जो हत्यारे हैं उनको अच्छी तरह से तरीके से फांसी की सजा हो। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।